ड्रामा लग रहा है पुराना और थोड़ा सस्ता। ड्रामे को देखते तुम कहते हैं यार ये तो बहुत पुराना ड्रामा लग रहा है। यहाँ डायरेक्टर किसी सीन की लुक में मेहनत नहीं कर रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा। इवन झुग्गी वाला भी सीन, हर चीज़ बहुत ही बस सीन करो, सीन हो रहे हैं लेकिन कोई कंपोज नहीं हो रहा कि खूबसूरत स्क्रीन, खूबसूरत ये। अब बात करी जाए राइटिंग की, सकलैन अब्बास नादिया जो पहले सीन में क्रिएट किए है मिस्ट्री, इंटरेस्ट बिल्कुल हुआ है उसके मोनोलॉग से इमरान के, एंड द वे इट वाज शॉट, लाइंस अच्छी हैं, समझ आता है कि कुछ मज़े का, नमक हलाल नमक हराम कुछ ना कुछ चल रहा है। रिश्ता था, मंगनी थी, नहीं समझ आया। और मुरीद कौन सा कैबरे डांसर है जो उसके लिए इतनी फरमाइश आ रही है, नहीं समझ मतलब आपको उसके हुलिये, मुरीद कौन सी परफॉर्मेंस देता था? नहीं वो आप मुझे बताएं, मुरीद का जो उसने कैरेक्टर बना हुआ है, जितना सीरियस और जितना कंपोज और जैसे वो है, यू थिंक एट एनी स्टेज वो डांस करता होगा इस फैमिली के लिए? मे बी 7 साल की उम्र से इस घर में है या बचपन से है, तो वो होते होंगे और सारी फैमिली जानती होगी कि घर में काम करने वाला सर्वेंट है। नहीं ऐसे नहीं होता, कितनी बड़ी फैमिलीज में सर्वेंट है और सब उसको कह रहे हैं उनको ये नहीं पता कि ये नहीं नाचेगा, बराबरी करो, उनको ये नहीं पता कि ये नहीं नाचेगा, अगर वो सब जानते ही हैं कि ये फैमिली है और ये सर्वेंट है चीफ भी बहुत, तो उसको हाँ उनको ये भी पता होना चाहिए था दैट ही इज नॉट गोइंग टू डांस। इट वाज वेरी क्रिंजी, मुझे उस चीख की भी समझ नहीं आई, इट डिडंट मेक सेंस। नंबर्स राइटिंग के क्यों चौबीस हफ्ते जाने दो छोड़ दो, इमरान का ड्रामा है, मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ उसके ड्रामे के लिए, प्लस सारा ऑल्सो, तो सारा की लाइन्स भी मेरे ख्याल राइटर थोड़ी सी भूल गई या अभी आगे इसका कैरेक्टर बनेगा, तो आई होप कि दोनों के अच्छे मज़े के सीन्स आगे आए। अभी तक जो मैंने भी देखा है जो मुझे समझ नहीं आया और थोड़ा थोड़ा समझ आया, फाइव ओके जॉब। अब बात हो जाए डायरेक्शन की, नादिया शकील खान, मैं भी वही सोची थी कि इमरान जिस प्रोजेक्ट में होता है ना, क्योंकि इज़ अ राइटर हिमसेल्फ, तो बड़ा ओन करके करेगा अपने कैरेक्टर को भी, लाइंस वगैरह उसको भी, सीन्स को भी, और इतना अब सीनियर हो गया है कि ही कैन मतलब डिस्कस कस कह दें या ही कैन टेल द डायरेक्टर कि नहीं आप नहीं ऐसे नहीं ऐसे ये वो, तो उसकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है और ये उसका बहुत ही फेवरेट प्रोजेक्ट है, तो अब मैं अब वही देखें, आई होप कि 2-3 एपिसोड के बाद जो है गेम ज़रा सही चली जाए। अभी तक फॉर नाउ जो एपिसोड मैंने देखा उस लाइक अ सेट कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और कुछ सीन्स बिल्कुल समझ नहीं आए, बाकी हाउ इट्स बीन शॉट इट कुड हैव बीन मोर इम्प्रेसिव। ये ड्रामा लग रहा है पुराना और थोड़ा सस्ता, होता सस्ता ड्रामा समझ सकते हैं कैसे कहें, लाइटिंग लोकेशन कुछ कुछ मतलब पुराना ये जिस तरह का इस चैनल पे काम होता है, जैसे इमरान और सारा के पहले प्रोजेक्ट चले हैं, स्क्रीन वैसी नहीं लगी, आपकी स्क्रीन कुछ विजुअल्स उतने कमांडिंग, कलर्स ब्राइटनेस शार्पनेस हर चीज़ ऑफ है, तो वो जो अब हमें असल में इतनी अच्छी स्क्रीन देखने की आदत हो गई, रज़िया की स्क्रीन देखने के बाद और कौन से ड्रामे, मैं की स्क्रीन, मैं जैसे आपकी मर्जी, क्या कलर्स क्या ब्राइटनेस खूबसूरती है, तो वो ना ये नहीं चाहिए कि लोग जन्नत से आपको जन्नत से आगे की तो लाइटिंग ही खत्म है ना, उसके जो मेकअप जो नज़र आ रहा है, जो नज़र मतलब शेडोज लाइट चीज़ें ब्यूटीफुल, तो उनको जब हम देखते हैं और इस ड्रामे को देखते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो बहुत पुराना ड्रामा लग रहा है। जैसे कि ऑफ बीट होते हैं हमारे ड्रामे, जैसे एक थी लैला की लाइटिंग, वो खूबसूरत बड़ी डिफरेंट लाइटिंग थी एक थी लैला की, बड़ा मज़ा आता देखने में, वो रियलिस्टिक भी लगती थी और वो नेचुरल भी लगती थी, और लेकिन वो अच्छी लगती थी, हल्की नहीं लगती थी, ये हल्का लग रहा है कुछ, और होता है मतलब आप इफेक्ट्स दे सकते हैं, डायरेक्टर्स इतना कुछ करते हैं, थोड़ी सी वो क्या फॉग मशीन से फॉग दे दिया, वो क्या होता है उसे कोयले जला के ग्रेन्स आ जाए स्क्रीन में ये वो, यहाँ डायरेक्टर किसी सीन की लुक में मेहनत नहीं कर रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा। इवन झुग्गी वाला भी सीन, हर चीज़ बहुत ही बस सीन करो, सीन हो रहे हैं लेकिन कोई कंपोज नहीं हो रहा कि खूबसूरत स्क्रीन खूबसूरत ये, नंबर्स फाइव ओके जवाब। महीना जी डायरेक्शन और लास्ट वाला तो बहुत ही बुरा था। अब बात कर ले जाए फीमेल एक्टर की, टाइम हमारे पास कम है और हम कर रहे हैं सारा खान को, नादिया बहुत अच्छी एक्टर है, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है इसकी इमरान के साथ, बट अभी आगे आएगी, अभी कुछ भी नहीं था, तो सिक्स गुड जॉब। अच्छा जी अब बात कर लीजिए मेल एक्टर के ड्रामे से और इमरान अशरफ, नादिया पहला सीन अच्छा है ठीक है,
अच्छी डायलॉग डिलीवरी, फिर जो वहाँ उसके बाद पानी में खड़े होते हैं, झुग्गी वाला मुझे समझ नहीं आया कि जिस झुग्गी वाले के पास ये जा रहा है बर्थडे मनाने, वही झुग्गी वालों का घर बाबर ने खाली कराना। एग्जैक्टली हाँ, तो ये तो है, ये तो ये है, वही बस्ती पूरी वही एक ही है सारा। मतलब इस इंसान के एफिलिएशन है उस बस्ती वालों से, अब इसी को ऑर्डर दे दिया उसने, जब ये सब दैट्स आल्सो क्वेश्चन मार्क ना कि क्या होगा इसका। बाकी इसके अलावा जो बस जो चीज इस कैरेक्टर के बड़ा इसमें, और आई एम श्योर ये आगे जाके बहुत अमेजिंग होगा क्योंकि ये जान बहुत डालेगा कैरेक्टर, आई एम श्योर आगे जाके कुछ बनेगा। अभी क्योंकि ये फनी लग रहा है, अभी जो नौकर है क्योंकि मल्टीपल काम कर रहा है उसने डैमेज किया है। अगर ये मुंशी मैनेजर असिस्टेंट होता जो कि जूते भी पहना देता ठीक है, चाय भी सर्व करता ठीक है, उसको देख रहा होता ठीक था, अभी जो कुकिंग वाला चक्कर है ना, ड्राइविंग भी कर रहा है कुकिंग भी कर रहा है, स्पेशली कुकिंग, दैट्स अ पुट ऑफ बिल्कुल। और आखिर में चीख, फ्लैशबैक का अच्छा था इसका याद आना, अभी आएगा, अभी इमरान का काम आना है और बड़ा खौफनाक काम आना है। नंबर्स सेवन, वेरी गुड जॉब। ड्रामा स्टार्टेड, सस्पेंस, ये क्यों पत्थरों पे खड़ा है, कुछ है यार, कोई मिस्टीरियस डार्क कैरेक्टर है, कुछ है। देयर वाज अ वेरी नाइस शॉट, आई रियली लाइक दैट शॉट, जिसमें समंदर पे खड़ा होता है कि मैं उस सरहद पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं ये भी हो सकता हूँ, वो बिल्कुल एक बॉर्डर जगह लग रही थी कि यहाँ जमीन खत्म होकर पानी शुरू हो रहा है, तो एक बॉर्डर लाइन। अब मैं पानी, अब लेकिन ये नहीं मुझे समझ आया कि मैं पानी से गुजरूंगा नहीं, क्या वो शिप लेके जाना चाह रहा है? नहीं नहीं, अच्छा उसके घर से नहीं लग रहा था कि ये सर्वेंट है बाय प्रोफेशन, घर ठीक लग रहा है। हाँ, बाय प्रोफेशन, लेकिन फकीर नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर जब दूसरे घर गए हैं जी, क्या हुआ था, हाँ उसके बाद सारा आ गई थोड़ी, सारा बहुत कम आई, थोड़ी थोड़ी आई, फिर वो जो नमक पारा टाइप था कि वो जो बड़ी बहन का छोटी बहन है वो जो आई है उससे, उसको उससे प्यार है। तो मेरी पसंद का कलोन क्यों लगाते हो, तब मेरी पसंद के कपड़े क्यों पहनते हो, जा यार वो उधर आ गई है। बट आई मीन एक ऐसा नौकर जो इतना नौकर है, ये बहुत ज़्यादा नौकर है बिकॉज सारे काम ये कर रहा है, फिर भी माँ की बेटी को प्यार हो गया, लव हो गया, किस तरह की फैमिली है ये। तो आप मैं बस ये बताऊँ कि ड्रामा मुझे जो सिर्फ चीज़ जिसने मुझे थोड़ा सा इंगेज किया वॉज द एंडिंग, जिसमें फ्लैशबैक आया उसके फादर ने सुसाइड की, जिसमें ज़रूर इसी का हाथ था, और उसने बोला भी है कि इनको पता नहीं है, मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसको, इसके बाप को तो हमने ही मारा था, लेकिन ये हमारे साथ लॉयल है। फुफो आती है ना, आई थिंक द ट्विस्ट वाज देयर जब वो लड़के के ऊपर जान की चाय गिराता है, उसको लेके आता है और उसको जब बोलता है, वो भी दैट वाज अ टोटली डिफरेंट साइड ऑफ हिज। इमेजिन ना कि ये जिसकी खिदमत कर रहा है उसने इसके बाप की मरने की वजह थी, उसको भी तक नहीं पता, एंड ही थिंक्स कि इसको याद नहीं है, बट इसको याद है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसका अंदर रिवेंज है, तो दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। लेकिन अदरवाइज जो मैंने ड्रामा देखा, जिस तरह बना है, जैसा सारा, नहीं मजा आया। एक तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतने सारे काम क्यों कर रहा है। इसको बड़े आसानी से वो कर सकते थे कि ये सुपरवाइजर है, बाकी तो स्टाफ पीछे काम कर रहा होता है, या उसका असिस्टेंट हो उसके काम कर रहा हो, लेकिन खाना सर्व करना। कास्ट बहुत अच्छी है, ड्रामा आई थिंक आगे जाके बेहतर होगा, आई डोंट एक्सपेक्ट कि इतनी अच्छी कास्ट के साथ अभी बहुत बुरी चीज होगी। अभी मुझे मजा नहीं आया, ओनली लास्ट जब मैंने देखा तो इट लुक्स प्रॉमिसिंग, मे बी ओएसटी इज अ बिग पुट ऑफ फॉर मी बाय द वे, सो ये तो नहीं दे रही, लेकिन यस आई एम कंफ्यूज्ड। ओके, कंफ्यूज्ड एंड फ्लैट फेस, यस।